असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शुक्रवार को उत्तराखंड में बीजेपी का प्रचार करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया, जिसको लेकर पूरे देश भर के कांग्रेस नेताओं ने असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं झारखंड के रांची में यूथ कांग्रेस द्वारा हेमंत बिस्वा का पुतला फूंका गया। यूथ कांग्रेस का कहना है कि हेमंत बिस्वा को राहुल गांधी से माफी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा भी देनी पड़ेगी। देखिए, ये वही लोग हैं जिन्होंने एक बार बिहार के डीएनए पे सवाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ बिहार के डीएनए पे सवाल किया था, और असम के मुख्यमंत्री जो हैं वो आदरणीय राहुल गांधी जी के बारे में, उनके पारिवारिक, उनके फादर के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की है, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है देश के लिए, उस परिवार के बारे में ऐसी घटिया टिप्पणी करना उस व्यक्ति के घटिया सोच, उसके घटिया राजनीतिक सोच को दिखाता है। और ऐसे लोग जो राजनीतिक डिस्कोर्स को इतने नीचे लेवल में लेके जा रहे हैं, ऐसे लोगों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे लोगों के पॉलिटिकल जगह पे, सामाजिक जगह पे रहने का कोई, उनको, उनके लिए कोई ग्राउंड नहीं है। और ऐसे लोगों का हम लोग विरोध करते हैं, और आज यूथ कांग्रेस की तरफ से जो उनका पुतला दहन हो रहा है, उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और उनकी पार्टी को ऐसे लोगों से। लेकिन फिर यही बात है, जिस पार्टी के उनके आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जो कि इस तरह की घटिया बातों को बोलने में पहले भी रिकॉर्ड बना चुके हैं, वही असम के मुख्यमंत्री उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी कि वो जिसको जिसके ऊपर उंगली उठा रहे, पहले वो अपने आप पे देखे, और जिनके लिए बोल रहे हैं वो सोच समझ कर बोले। यूथ कांग्रेस और कांग्रेस टीम इतना भी कमजोर नहीं कि उसे ये नहीं करेंगे। उनके लिए उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और उनसे राहुल गांधी जी से माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसा कौन सा बात है जो उन्होंने कही और इतने युवाओं में और कांग्रेस के नेताओं में इतना आक्रोश भरा हुआ है? वो ऐसी बात कही है जो एक माता के ऊपर, भारतीय माता की, भारत की माता के ऊपर और पिता के ऊपर उंगली उठाया है उन्होंने। उन्होंने ये किया है कि क्या आप इस भारत के बेटे हैं या नहीं है, तो उन्हें पहले खुद में सोचना चाहिए कि वो कौन है और कहाँ से आकर ये क्वेश्चन कर रहे। आप पहले अपनी जिस सीट पर बैठे हुए गद्दी संभालें, बाद में दूसरे पर उंगलियाँ उठाएं। आज रांची महानगर युवा कांग्रेस के तत्वाधान में हम हेमंत बिस्वा जो असम के जो सीएम हैं, उनके अगेंस्ट में जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार और अभद्र टिप्पणी उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ और महिलाओं के खिलाफ उन्होंने किया है, उसके लिए हम ये उग्र आंदोलन कर रहे हैं। युवा कांग्रेस कभी भी इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता है कि आप कभी भी किसी भी पद में रह के, अगर आप सीएम क्यों नहीं हो, चाहे प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, आप किसी भी महिलाओं के लिए या हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी के लिए आप कभी भी अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने देश की महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो आपसे युवा कांग्रेस, देश का युवा कांग्रेस, देश का युवा, देश की महिलाएँ आपसे डिमांड करती हैं कि आप अपने पद से इस्तीफा दें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।